अरे ओमकार करके फिर वीडियो बंद कर दूंगी, इससे नेट कट नहीं होता। ठीक है, ओके। कक्षा शुरू करते हैं। 3 बार ओंकार उच्चार उच्चारयामः। साईराम बच्चों, मैम हाँ, तत्पुरुष समास चल रहा था और तत्पुरुष समास में आप कौन सा व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में विग्रह करने पर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो पूर्व पद में से हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, इसलिए इसका नाम व्यधिकरण तत्पुरुष समास पड़ा है। ठीक है, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। एक तो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्यधिकरण में तो बता दिया कि इसमें विग्रह करने पर द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसमें आपको, उसमें क्या होता है कि उसमें और समास आते हैं। जैसे एक तो विभक्ति जो होती है, जैसे द्विगु समास है, द्वंद समास है, नंद तत्पुरुष समास है ना, उप तत्पुरुष समास मैम वो है। स्लाइड नहीं दिख रही है, अच्छा वो जो उस दिन खोला था वो नहीं दिख रहा। हाँ, अच्छा, ये दिख रहा है आप? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। और मैं अपना है ना वीडियो बंद कर देती हूँ पहले, क्योंकि तो उसमें नेट चला जाता है। ठीक, हाँ अब दिखेगा। हाँ, तो 2 तरह के समानाधिकरण और व्यधिकरण। चलो समानाधिकरण को हम बाद में नहीं समझेंगे। दिख रहा, नेटवर्क नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है, दिख रहा है क्या? प्रॉब्लम हो दिख गया रहा तेरे है में। मैम, दिख रहा है मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, फिर वो हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो अब मैंने ना आपको द्वितीय तत्पुरुष समास का ये बताया था कि उसमें कौन कौन से शब्द थे, गत, प्राप्त, युक्त है, और बताओ और क्या थे, पतित, और कौन कौन से थे, युक्त नहीं आएगा, गत, प्राप्त, श्रित, अतीत है ना, आपन्न और पतित, ये सारे शब्द उसमें आए थे। ठीक है, याद है क्या? उत्तर यस प्राप्त मैम। था, श्रित था, अतीत था, पतित था, गत था, प्राप्त था और आपन्न था। ये 5 6 शब्द थे उपपद। ये इनके आने पर हमेशा पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब तृतीय व्यक्ति मैंने भेज दिया है वैसे आपको, है ना। तृतीय तत्पुरुष समास में क्या क्या बताया था? सदृश बताया था, सम बताया था, सदृश और सम एक ही बात होती है हिंदी ना। बताया था मैम। हाँ, कलह बताया था, हीन बताया था, है और क्या बताया था, युक्त बताया, नेटवर्क युक्त, और एक प्राप्त, आवाज बहुत आई थी। श्रेया म्यूट कर ले। हाँ, त्रात आया था, और एक हत आया था, हत के द्वारा मारा गया, बाण हत, बाणेन हत है ना, बाण के द्वारा मारा गया। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, सर विद, सर माने बाण, सरेण विद है ना, बाण से बेधा गया, सर के द्वारा घसा गया, मतलब के द्वारा भी इसी में आता है, तृतीय तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, फिर चतुर्थी व्यक्ति में भी कुछ बताए थे, शाला है ना, अर्थ, हित, द्वितीयों में भी चतुर्थी युक्ति होती है ना, और कौन से आता है, रक्षित, रक्षित भी आता है, रक्षित। ठीक है, और बलि, ये दिया है बलि, और कौन सा आया था बताओ, कुछ याद अर्थ अर्थ है? अर्थ हो गया ना मैम, मैंने अर्थ बोल हो दिया। गया, अर्थ हो गया, हित हो गया, सुख हो गया है ना, रक्षित हो गया, और शाला हो गया,
और ये अर्थ तो दिया ही है, हाँ इतने ही, और एक बलि हो गया। ये सारे शब्द जो है वो चतुर्थी तत्पुरुष समास में आते ही है, ठीक है। इसे उपाय दारू मतलब ये इसमें बताया था, उपाय दारू का कुछ मीनिंग मैं बता रही थी आपको, ठीक है। यज्ञ के लिए दारू मतलब लकड़ी, यज्ञ के लिए लकड़ी, समझ में आया, हाँ लकड़ी मतलब समिधा, यज्ञ के लिए समिधा, समिधा को हम लकड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अब फिर पंचमी तत्पुरुष समास, मैम ये याद कैसे रहेंगे? याद हो जाएगा आपको बार बार, है ना, प्रैक्टिस में इसका अभ्यास में करेंगे ना तो याद हो जाएगा, याद करना कुछ कठिन नहीं होता है। अब देखो पंचमी में आपको मतलब बताया हुआ है कि पतित आता है, मालूम है पतित है ना, मुक्त माने छूटना, तो ये छोड़ने के योग में भी पंचमी लगती होती है, भय के योग में भी पंचमी होती है, आपको मैम मालूम है। पतित तो किसी और में भी आया था ना, हाँ बताओ किसमें आया था, इसमें तो द्वितीया में, द्वितीया हाँ, द्वितीया द्वितीया में आया था। अच्छा अब एक और भूल गए, तृतीया में कुशल भी आया था, तृतीया में है ना, तृतीया में कुशल भी आया था, ठीक है। तृतीया में पतित आया था, तृतीया में कुशल आया था, और पंचमी में फिर से आ गया, तो आप है ना स्वतंत्र हो, आप चाहे पंचमी प्रयोग करो, मैम तृतीया में पूर्व भी आया था। पूर्व भी आया था, हाँ ठीक गुड। ओ हाँ गजब। तो अब सुनो, आप पतित और इसमें कुशल में आप स्वतंत्र हो, आप द्वितीया भी प्रयोग कर सकते हो पतित में, और पंचमी भी प्रयोग कर सकते हो, कुशल में आप तृतीया भी प्रयोग कर सकते हो, सप्तमी भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, कोई सा भी। और मैंने कई बार बताया है कि आपको मल्टीपल चॉइस में ही आता है, आपको खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे फिर भी धातु योगे पंचमी, आपको मालूम ही है ना, भी धातु योगे पंचमी व्यक्ति होती है, और एक रहित से रहित है ना, तो हीन आता है ना, हीन शब्द आने पे तो तृतीया ही आएगी, लेकिन रहित आने पर कौन सी पंचमी व्यक्ति आएगी, पंचमी, और सहित आने पर कौन सी व्यक्ति आएगी, सहित द्वितीया, तृतीया। वेरी गुड है ना। हाँ ऐसे ही और एक शब्द है भ्रष्ट, इसमें आया नहीं है, भ्रष्ट होता है एक शब्द, भ्रष्ट माने छूटा गिरा, वो भी इसका मतलब भी गिरा होता है, ठीक है, धर्म से गिरा, धर्म से, हाँ तो उन सब में पंचेती का प्रयोग होता है, जैसे चोर से डरा हुआ, ठीक है, चोरात भयम, रोग से मुक्त हुआ तो रोगात मुक्त, अश्वपत्ता घोड़े से गिरा है ना। अब यहाँ पे आप अश्वम भी कर सकते थे, अश्वम पतितः भी सही है और अश्वात पतितः भी सही है, दोनों सही है। फिर स्वर्ग से गिरा है ना, तो स्वर्गात पतितः, शेर से डरा हुआ तो सिंहात्वीतः, ये सारे शब्द ये पंचमी तत्पुरुष में आते हैं, और ये ही आते हैं इसी तरह के, कुछ अलग नहीं होते, ठीक है, यही रिपीट होते रहते हैं। फिर उसके बाद षष्ठी तत्पुरुष समास में कोई नियम नहीं होता है, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास में तो केवल संबंध ही रहता है, ठीक है, हाँ, और अर्थ के अनुसार इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे जैसे राजपुरुष, राजा का आदमी, इसमें काकी के आएगा, और कोई विशेष नियम नहीं है इसमें, ठीक है, जो निर्धारण है षष्ठी का चिन्ह काकी के, वही उसी अर्थ के आधार पर इन दोनों पदों का नहीं, इसका विग्रह होगा, ठीक है, दोनों पद में ये प्रयुक्त होगा इस तरह से, राज्ञः पुरुषः, ठीक है। ऐसे ही आप और बना सकते हो, राजपुरुषः, राजपुत्रः, राजकुमारी, ठीक है, राजसेवकः, इस तरह से शब्द बना सकते हैं हम, तो राज्ञः षष्ठी व्यक्ति है, आपको मालूम ही है, ठीक है। देवपति, तो देवानाम पति, देवताओं का स्वामी, पति मतलब स्वामी होता है, ठीक है, तो आप ऐसे बनाओ राष्ट्रपति, तो कौन सा वचन लगेगा, एक वचन की बहुवचन बताओ, राष्ट्रपति, स्नेहा बताओ, इष्टिका बताओ, हाँ बहुवचन, एक वचन एक मैम, वचन, एक वचन, हाँ वेरी गुड, क्या मैम? साबर। मैंने पूछा देवपति, तो देवता तो बहुत सारे हैं, इसलिए हमें बहुवचन ही लगाना पड़ेगा, देवताओं के पति, देवताओं के स्वामी, ठीक है, कौन है, देवेंद्र, मतलब इंद्र को बोलते हैं, ठीक है,
ऐसे देवेंद्र भी हो जाएगा, देवानाम इंद्रह देवेंद्रह। और राष्ट्रपति बोला था मैंने, तो वो आएगा राष्ट्रस्य पति, तो बहुवचन आएगा, राष्ट्र में एक वचन आएगा, क्योंकि राष्ट्र तो एक ही है ना, है ना, राष्ट्र तो एक ही होता है, इसीलिए राष्ट्रस्य पति आएगा। ठीक है, नरपति नराणाम पति, अभी नर मतलब लोगों का स्वामी राजा ही होता है, ठीक है, तो नराणाम पति ही आया है। ठीक है, और कौन सा शब्द होता है मैम, भूपति का क्या बनेगा? भूपति है ना, भूपति का आएगा भुवम, भुवम पति नहीं, भुवानाम पति। अब तीन भुवन है ना, इसलिए है ना, भुवनों का स्वामी, भुवन मतलब गृह। और कौन सा शब्द है, महीपति, महीपति, मही बोलते हैं धरती का, धरती का स्वामी। तो अब ये एक वचन में आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा बताना, मही इकारांत रूप है, बताना, इकारांत रूप है, नदी की तरह चलेगा, बना सकते हैं, बनाओ, महेया पति, ठीक है, महेयापति। और देव पूजा, देवस्य पूजा, देवता की पूजा। अब यहाँ पे हम एक वचन भी कर सकते हैं और बहुवचन भी कर सकते हैं, एक देवता की पूजा कर सकते हैं, बहुत सारे देवताओं की पूजा कर सकते हैं, कोई सा भी लगा दो आप, है ना, देव पूजा है ना, कृष्ण पूजा, राम पूजा, ये तो निश्चित है, इसमें तो एक वचन आएगा ही आएगा। मैं तो भगवती की पूजा कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, भगवत्याः पूजा, ठीक है, देवी पूजा तो देव्या पूजा, ठीक है, देव्या पूजा। और ऐसे शब्द बना सकते हैं, सुख भोग, सुखों का भोग करना, या बहुवचन भी लगा सकते थे, सुखानाम भोग, और एक वचन भी सही है, युद्ध निपुण, युद्ध, अभी यहाँ पे सप्तमी व्यक्ति शुरू हो गई, ठीक है, सप्तमी व्यक्ति शुरू हो गई यहाँ पर। जैसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे बताओ शिवालय, सुनिए बताओ शिवालय क्या होगा, शिवालय बताओ, शिवालय मैं बोल रही हूँ, बोलो सची, आप बताओ, आवाज आ रही है सची मैम, रिपीट करिए क्वेश्चन, शिवालय, शिवालय सिद्धि तो मैम इसको सप्तमी में बताना है या फिर षष्ठी में, यस मैम, सप्तमी में नहीं पहुंचे हैं, हाँ मैम, हाँ, तो क्या शिवालय, बहुत देर में बोली है, फिर ऐसे हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, जितने भी ऐसे शब्द आते हैं आलय वाले, इसी तरह का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देव मंदिरम, शिव मंदिरम, है ना, इनका भी ऐसे ही बनेगा, षष्ठी व्यक्ति लग जाएगी। ऐसे ही और भी शब्द होते हैं, जैसे सुरेश, तो सुर मतलब देवता, तो सुराणाम ईशह, ठीक है, सुराणाम ईशह, सुरेश संधि करके बन गया, और यही समस्त पद है, हैं? और आगे देव पूज कर, राजा का दर्शन, राज दर्शनम क्या बनेगा बताओ, राज दर्शनम इशिका बताओ, राज्य दर्शनम, राज्य दर्शनम, ठीक। ऐसे यश होता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय, इंद्रिय होते हैं, पंच इंद्रिय होती है ना, उनका निग्रह माने पकड़ कर, पकड़ में, बश में करना, बताओ क्या होगा, इंद्रिय निग्रह, हम नहीं आता, हाँ नहीं आता, अरे षष्ठी युक्ति प्रयोग करो ना, इंद्रियों का, हाँ भाई तो षष्ठी भक्ति नहीं आती, मनुष्य नाम, अब बोलो, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियाणाम निग्रह, निग्रह, निग्रह माने बस में करना, ठीक है, हाँ। ऐसे ही कौन बताएगा, अनमोल, अनमोल बताना, आत्मनः वशम, शब्द बनाओ समस्त पर, आत्मनः वशम क्या बनेगा,
मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, आत्मनस्य वशम। नकारांत रूप जो होता है उसमें नकार रूप कर देते हैं, जैसे हमने राजन में किया था, हमने राज दर्शनम बोला था, ऐसे ही इसमें बोलना है। मैंने बोला है आत्मदशम, आत्मवशम हो जाएगा, ठीक है। आत्मनः वशम, तो समस्त पद बनाएंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे, इसका मूल शब्द है आत्मन, न हटा दो, आत्मवशम, ठीक है। आत्मन वशम कभी शब्द नहीं सुना, आत्मवशम, आत्मबलम, आत्म प्रशंसा सुना है अनमोल? यस मैम। हाँ तो अब समझ में आया ना, आत्मन वसम तो शब्द बनेगा आत्म वसम, ठीक है। को हटा देते हैं। हाँ तो अब बताओ आत्मबलम का बोलो, आत्मबलम बोलो, आत्मबलम का बोलो। आत्मबलम में तो न है ही नहीं, विग्रह बोलो, विग्रह, विग्रहम वदतु, आत्मनम बलम, नहीं षष्ठी व्यक्ति, षष्ठी व्यक्ति क्या है, आत्मनस्य बलम, नहीं नकारांत रूप है, नकारांत रूप है ना, अभी मैंने क्या बोला सुनो, आत्मनः वशम शब्द बना आत्मवशम, मैंने मैंने आपको बोला है कि आत्मवलम इसका विग्रह करो, कौन करेगा और, साक्षी आप करो, साक्षी आत्मवसम, आत्मनः बलम, हाँ कम सुनाई दे रहा है लग रहा है, ठीक है आत्मनः, ठीक है। देखो आत्मा के रूप कौन बताएगा, इसने आप बोलो आत्मा के रूप, आत्मा के रूप बोलो, एक वचन केवल, एक वचन आत्मा, नहीं 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 हाँ सही है, आत्मा, आत्मा, आत्मानम, आत्माना, आत्माने, मना 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 करो, मना, हाँ आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः, आत्मनि, वेरी गुड, यही है बस, एक वचन का ही प्रयोग करना है इसमें, आत्मन वाले रूप में और राजन वाले रूप में एक वचन का ही प्रयोग करना है, ठीक है। ठीक, ऐसे ही कंठस्य आभरणम, समस्त पद बनाओ, कंठस्य आभरणम, श्रेया बताओ, श्रेया बताओ, श्रेया, श्रेया कंठस्य आभरणम क्या बनेगा, मैम एक बार शब्द रिपीट कर दो, कंठस्य आभरणम, समस्त पदम रचयतु, कंठस्य आभरणम, कंठ, चलो इशिका बोलो, इशिका, इशिका बोलो क्या होगा, मैम कंठाभरणम जो भी है, कंठाभरणम, ठीक है गुड, कंठ मतलब गले का आवरण माने आभूषण, ठीक है गले का आभूषण, गले का गहना। अब बताओ विश्व भाषा, इसको विग्रह करें, विश्व भाषा, विश्वस्य भाषा, इस तरह से कर सकते हैं। ऐसी आर्याणाम संस्कृति बोलो, सची आर्याणाम संस्कृति, आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं सची भक्ति इति है, सबके लिए क्लैपिंग, ठीक है और थम, ओके वेरी गुड। अब तो आपने, अब आए हम सप्तमी व्यक्ति पर आते हैं, ठीक है सप्तमी व्यक्ति, यहाँ पर देखो सप्तमी व्यक्ति में आपको शब्द पता है कुछ कुछ, प्रवीण है, कुशल है, मग्न है, पंडित है, ठीक है ये चार शब्द दिए हैं यहाँ पर, लेकिन और भी होते हैं, पटु है ना, और कौन से, प्रवीण, चतुर, सिद्ध है ना, ये शब्द जो हैं सारे षष्ठी सप्तमी व्यक्ति के होते हैं, मालूम है ना, कुशल, निपुण, पटु, पंडित, मग्न,
निपुण, सिद्ध, पंडित, ये सभी शब्द सप्तविभक्ति में आएंगे। तो जैसे युद्ध निपुण तो युद्धे निपुण, कार्य कुशल तो कार्य कुशल। अब आप चाहो तो यहाँ पे बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध कलाएं भी बहुत सारी होती हैं, है ना। युद्ध में निपुण, युद्धों में निपुण, कई प्रकार के युद्ध होते हैं। चाहो आप एकवचन में ढूंढ सकते हैं उसको, बहुवचन में भी ढूंढ सकते हैं। हम कार्य सुकुशल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही शास्त्र निपुण भी होता है, शास्त्र प्रवीण भी होता है, शास्त्र पटु भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो विभक्ति वही लगेगी, शास्त्र पटु या बहुत सारे शास्त्रों में भी कोई हो सकता है, तो शास्त्र सुपटु गलत नहीं होगा आपका। चाहे आप एकवचन प्रयोग करो चाहे बहुवचन प्रयोग करो, लेकिन थोड़ा अर्थ जरूर देख लेना, है ना, कि एक शास्त्र में भी प्रवीण हो सकता है। अब जल में डूबा, मग्न माने डूबा, तो जले मग्न। और क्या हो सकता है? विद्या मग्न, बोलो अनमोल, अनमोल विद्या मग्न क्या शब्द बनेगा सप्तमी में? अनमोल विद्या मग्न समस्त पद अस्ति, विग्रहम करो अनमोल। आवाज नहीं आ रही, चलो अब कौन बोलेगा? यश बोलो, यश बोलो। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सप्तमी विभक्ति में कुशल, निपुण, पंडित, पटु ये शब्द जब आते हैं तो मैं आता है, ठीक है। और मैं मतलब सप्तमी विभक्ति, ठीक है, तो उसमें ए या एसु लगाना है पीछे, और स्त्रीलिंग है तो याम लगाना है। जैसे मैंने अभी शब्द बोला विद्या मग्न, तो स्नेहा बोलो क्या शब्द बनेगा? स्नेहा मैम क्या द्वितीय मग्न? विद्या विद्यायाम मग्न। अच्छा विद्या, हाँ ओके, विद्या हो रहा है, विद्या में मग्न। अच्छा आप जैसे संगीत मग्न बनाओ, संगीत सौम्या बना, संगीत मग्न, संगीत मैम नहीं बन रहा है। अरे ए या यसु लगेगा, अब बोलो संगीत मग्न। पहले शब्द में विभक्ति लगाओ, मम कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी, सप्तमी है ना, यीशु बोला है, एकवचन में प्रयोग होगा। बोलो नहीं आ रहा साक्षी, समित तुम बोलो, समित है क्या? यस मैम। हाँ बोलो, संगीत मग्न क्या होगा? संगीत संगीते मग्न, मग्न, वेरी गुड, वेरी गुड सौम्या, ठीक है। देखो ए लगता है, ए या एसु, और यदि स्त्रीलिंग है तो याम यसु लगता है। जैसे मैं बोलती हूँ कला निपुण, ठीक है, कला निपुण, तो शिवम तुम बोलो क्या आएगा? कला निपुण, जैसे विद्या मग्न किया था ऐसे ही बोलो, बोलो विद्या मग्न, तो विद्यायाम मग्न। अब बोलो कला कुशल, बोलो कला कुशल, शिवम है कि नहीं? अत्र अस्ति ना वा? चलो श्रेया बोलो कला कुशल का क्या होगा? मैम नहीं आया मुझे। मैम कलायाम कुशल, हाँ कलायाम कुशल, याम लगेगा। देखो आकारांत रूप होगा विद्या कला, तो इसमें याम लगेगा। आप याम लगाओ या सू लगाओ, ठीक है। कलाएं तो बहुत सारी होती हैं, आप बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो एक वचन तो आ ही जाएगा, ठीक है। हाँ इसको है ना, अरे बहुत उसमें पढ़ना मैंने भेजा है, तो आप उसमें से समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। और लिख लेना
एक बार लिखोगे तब आएगा समझ में, ऐसे नहीं आता है। तो ये हो गए आपके। अच्छा एक होता है शब्द वाची पटु, वाची पटु, इसका समस्त पद बनाए, बनाओ शिका, वाची पटु। नहीं पता मैम। अच्छा वाक पटु क्या होगा? वाक पटु अलग का होगा, वाक पटु, पटु माने भी चतुर होता है, वाक पटु, ठीक है? समझ में आ गया आपको? हाँ मैम। वाक पटु वाणी में चतुर। अब इसके बाद में आपका आगे बढ़ते हैं नंद तत्पुरुष समास, ठीक है? नंद तत्पुरुष समास इसमें क्या है आपको पहले से पता है, वैसे नंद तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें निषेध नेगेटिव होता है, ये नकारात्मक होता है, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप न प्रयोग होता है विग्रह करने पर, ठीक है? और न न का समास होता है, और इसके जब हम विग्रह कर, जब हम है ना इसको समस्त पद बनाएंगे तो अ कहाँ लगेगा? जब जो उत्तर पद है वो व्यंजन से होगा तो अ लगेगा, और यदि जो उत्तर पद है स्वर से होगा, ये देखो आदि स्वर से होगा तो उसमें अन लगेगा, ठीक है? नन तत्पुरुष किसको दर्शाता है? नकारात्मकता को, नकारात्मक शब्द को दर्शाता है, ठीक है? और इसमें जब भी न का प्रयोग होता है विग्रह करने में, और चाहे वो अन आए या अ आए समस्त पद में समास में, वहां पर न ही प्रयोग होगा। अब जैसे न धार्मिक शब्द बना अधार्मिक, ध्यान रखना ये विभक्ति तत्व समास नहीं है, ठीक है? ये समानाधिकरण तत्व समास है। तो ऐसे ही असुखम न सुखम, अनादि न आदि, न सत्यम असत्यम। अब ऐसे आप एक एक शब्द बोलोगे, अ या एक अ का बोलोगे एक अन का बोलोगे, ठीक है? सच्ची बोलो, नन तत्व समास का बोलो एक एक। मैम मैं सोच रही हूँ। अच्छा स्नेहा बोलो। एक एक अ वाला बोलना और एक अन वाला बोलना। न ज्ञानम, ठीक है? तो हो जाएगा अज्ञानम, ज्ञानम, ठीक है? और एक और बताओ, अन वाला बताओ। हाँ न स्वर वाला बोलना है, स्वर वाला। हाँ हाँ अनुचित, हाँ अनुचितम, ना उचितम, ना उचितम अनुचितम, ठीक है? ओके। हाँ अभिषिका आप बोलो। मैम अभी मैंने ही बोला। मैम ना एक हो सकता है। हाँ वेरी गुड। हाँ कहा शब्द बनेगा अनेक, अनेक, वाह वेरी गुड। और कोई बोले जिसको आया है वो बोलो। न उपस्थित, न उपस्थित, अनुपस्थित, पूरा बोलना है ऐसा, न इच्छा अनिच्छा। हाँ अनिच्छा, ठीक। मैम ना धर्म अधर्म होगा, धर्म, ठीक है? ना पूर्व अपूर्व, ठीक है? अद्वितीय अद्वितीय बोलो, द्वितीय। हाँ एक शब्द है अनुपमा, अनुपमा या अनुपम नाम होते हैं। ना उपमा, हाँ ना उपमा, उपमा मतलब, उपमा मतलब तुलना, कंपैरिजन, ठीक है? अच्छा तो जिसका कोई कंपैरिजन ही ना हो। हाँ हाँ ना उपमा, ठीक है? अब आ गया समझ में? तो देखो ऐसे असुंदर भी होता है, अप्रिय है, अन्याय, अस्वस्थ, अविद्या, अहिंसा, है ना, अमित्रम, अराजा, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है? और अजय अजय, अलाभ,
व्यंजन में, और एक है उसमें अनाचार न आचार अनाचार अनस्वर न नस्वर अनस्वर ईश्वर अनस्वर अस्ति अनेक उसने बुलाई था, अनागत न आगत अनागत ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो ये आपने इसका तत्पुरुष का एक जो समानाधिकरण में आता है वो आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में आपका इसमें दिया है क्या उपपद तत्पुरुष समास और है एक वो नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो मैंने दिया हुआ है आपको है ना उपपद तत्पुरुष समास, उसको बाद में पढ़ेंगे। कर्मधारय पढ़ लेते हैं, हमने कर्मधारय थोड़ा सा पढ़ा है, टच किया था ना कर्मधारय, कुछ याद है? यस मैम, यस मैम। समानार्थी तो इसमें पहला पद इसमें क्या होता है, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, ठीक है। कभी कभी बिगड़े पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, ज्यादातर होता है, कभी कभी नहीं अक्सर ही होता है। पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष होता है, ठीक है। हाँ कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। उपमान तो वो होता है जिसकी तुलना दी जा रही है और जिससे दी जा रही है वो उपमेय होता है, ठीक है। देखो इसके शब्द हैं यहाँ पे, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, कहाँ आया है विशेषण दोनों, नीलम उत्पलम, इसमें नील निकालो और उत्पलम तो शब्द बन जाएगा नीलोत्पलम। कौन सी संधि वाला है बताना, नीलोत्पलम गुण हाँ गुण संधि, ठीक है। उपमान उपमेय में समझ गए, जिसकी उपमा दी जाए जैसे वो व्यक्ति होता है, विशेष जो होता है वो उपमेय होता है, ये ध्यान रख लो। जो विशेष से होता है ना पीछे वाला उत्तर पद वो उपमेय होता है, और उपमान क्या होता है जिससे उपमा दी जाती है, जैसे चंद्रमा से उपमा दी जाती है कि चंद्रमा जैसा मुख है उसका, है ना, रुई जैसे बोलते हैं कि दूध जैसा सफेद है, ठीक है। कोई व्यक्ति कोई चीज है तो वो यहाँ पे आएगा, और जिससे दिया जा रहा है जिस वस्तु से वो उपमान है। ये दोनों में अंतर, दो प्रकार के होते हैं कर्मधारय समास। तो अब ये देखो ये तो आपके विशेषण विशेष वाले हैं, नीलम उत्पलम है ना, समान विभक्ति आएगी। जैसे विशाल वृक्ष तो विशाल वृक्ष, यदि यहाँ पे वृक्ष होता तो विशाल वृक्ष ऐसे आ जाता। मधुरम फलम, आपको मालूम है कि फलम जो पीछे का शब्द जो जिस लिंग का होगा वही लिंग आगे भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे मधुरम फलम, आपको मालूम है कि फलम जो है नपुंसक लिंग है इसलिए मधुरम आया, ठीक है। पुत्र मालूम है पुल्लिंग है तो ज्येष्ठ पुत्र, समान विभक्ति है, देख लो। कुराजा, अब इस पे ध्यान देना है हमको है ना, इसमें कु और सु है तो ये क्या है कि ये दो उपसर्ग हैं, तो कु के लिए यहाँ पे कुत्सित आया है और सु के लिए यहाँ पे सुंदर आया है, तो कु राजा के लिए आया कुत्सित राजा। यदि मैं कहूँ कुपुत्र तो बनाओ कुपुत्र बनाओ, यश यश बनाओ कुशित, क्या था वो कुशित पुत्र पुत्र, हाँ वेरी गुड। ऐसे ही कुमार्ग बनाओ, यश शिवम शिवम बनाओ कुमार्ग कुशित मार्ग, वेरी गुड शाबाश, इतना ध्यान से मैम यश ने बोला ये, यश तुम क्यों बोल रहे हो, मैं शिवम को बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ साउंड इसमें पता नहीं चलती ना जल्दी से। अच्छा और कौन और बताओ कौन सा रह हो सकता है, कुराष्ट्रम कुराष्ट्रम कुशितः कुशितम राष्ट्रम कुशितम राष्ट्रम कुशितम राष्ट्रम, वेरी गुड सौम्या, स्नेहा तो बोल ही रही है, सौम्या भी बोल रही है। सौम्या ने नहीं मैम, श्रेया ने बोला, नहीं मैम श्रेया ने बोला तो मैं बोलने वाली थी। माई खुला में तो माई से पहचान रही थी,
शिवम नहीं बोल रहा मैम, मैम श्रमित भी नहीं बोल रहा श्रम। हाँ या यस मैम, द्विज कहाँ है? अच्छा अब सुंदर सु के मतलब ये सुंदर आएगा, ठीक है? तो जैसे मैं बोल रही हूँ सुपुत्री, बोलो सुंदरम, सुंदरह पुत्री ही, सुंदरी पुत्री ही लगाना, नदी की तरह। एक और शब्द है देखो, सु के लिए शोभना भी आता है ना, सु के लिए शोभना भी आता है। जिसकी घर से भी आवाज आ रही है माइक बंद करो, सुन लीजिए, ठीक है? तो क्या आएगा, शोभना पुत्री, सुपुत्री के शोभना पुत्री भी बोल सकते हैं और सुंदरी पुत्री भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है? अब मैं बोल रही हूँ, हाँ इसको बोल रही हूँ, क्या नाम है? अनमोल, अनमोल मैम, सुंदर मार्ग सुमार्ग, वेरी गुड, सुमार्ग सुंदर मार्ग या शोभना मार्ग, दोनों आने चाहिए शब्द, ज्यादातर है ना सुंदर नहीं आता, शोभना आता है ना। और शब्द बताओ, सुमार्ग सुपुत्र, और सु किसमें, सुकुमार है ना, शोभना कुमार, शोभनम पुष्प, शोभनम पुष्पम, शोभनम पुष्पम सुपुष्पम, ठीक है? पुष्प नपुंसकलिंग होता है, शोभनम पुष्पम, ठीक, वेरी गुड। मैम स्वच्छ के लिए कैसे होगा? हाँ क्या, स्वच्छ 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 सुस्वच्छ है, स्वच्छ तो वैसे ही है बहुत साफ, तो वे बहु स्वच्छम होता है, सुस्वच्छम शब्द नहीं होता है, ठीक है? सुस्वास्थ होता है, सुस्वास्थ सुस्वास्थ या सुस्वास्थम। मैम सुस्वागतम भी होता है, सुस्वागतम अशुद्ध शब्द है, कोई भी बोलता है वो गलत है, क्योंकि सु दो दो बार हो जाएगा, ठीक है? स्वागतम में संधि करो तो क्या आएगा, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, तो शब्द बना स्वागतम, तो फिर दो बार ए दो दूसरी बार सु लगाने की क्या जरूरत है, इसीलिए वो अशुद्ध हो जाता है। कुछ लोग जानते हैं वो दो बार ऐसे सु स्वागतम नहीं बोलते, ठीक है? और जो नहीं जानते इसका अर्थ वो ही बोलते हैं। अच्छा स्वागत क्या है, पहले से स्वागत तो अच्छा होता ही है, ठीक है? ना करो बात अलग है। और कौन से शब्द हैं इसमें, महाराज, महाराज बताओ, महाराज ये देखो इसमें आया है, महाराज महान च असौ राजा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, च असौ लगा के पुल्लिंग है तो च असौ है ना, और स्त्रीलिंग होगा तो आएगा च सा, च सा, और नपुंसक लिंग होगा तो च तत, ऐसे आएगा। जैसे मैं बोलूं महायुगम, महायुगम तो आएगा महा, महा के युगम नपुंसक लिंग है तो महत आएगा, महत च तत युगम, ऐसे आएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो महत युगम, वो भी सही है, कम से कम शब्दों का प्रयोग। लेकिन यदि इस तरह से लिखा गया तो आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है? महाराज, फिर महाराजा भी बोल सकते हैं, महाराजा शब्द कम आता है, महाराजा ही आता है संस्कृत में, ठीक है? अब और भी शब्द हैं, जैसे उदार जन है ना, उदार जन तो उदार जन, ठीक है? जो विभक्ति पीछे होगी वचन, जो व्यक्ति वचन पीछे होगा वही प्रयोग किया जाएगा। ज्यादातर इसमें आप देख रहे हो कि प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है? पीताम्बरम क्या बनेगा, पीताम्बरम क्या बनेगा, पीताम्बरम, ठीक, वेरी गुड। चलो ये तो तुमको समझ में आ गया होगा, ये बहुत सरल है विशेषण विशेष्य। तो अब हमें समझना है उपमान और उपमेय, ठीक है? ये जो शब्द दिए हैं आपको, घनश्याम कमलमुखम चंद्रमुखम नरसिंह शीतोष्णम रक्तपीतः सुक्तोत्थितः,
ये शब्द जो है सारे ये उपमान उपमेय है, इसके आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है, उपमान उपमेय। एक होता है उभय पद विशेषण, ठीक है, उभय पद, तो ये तो विशेषण के अंतर्गत लिया जाता है क्योंकि दोनों में समान विभक्ति ही होती है, ठीक है, इसको समझना है हमको। इसमें तो आप देख रहे हो कि किसका प्रयोग हुआ है, इव, इव माने होता है समान, इव का क्या मीनिंग होता है, समान, ठीक है, के जैसा। तो जैसे घन श्याम बादल के समान नील वर्ण वाला, ठीक है, बादल के समान काला भी बोल सकते हैं, तो घनश्याम कृष्ण का नाम है ना, घनश्याम किसके समान होगा, वहीं पर इव लगेगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं करेंगे कि घन श्याम इव, गलत हो जाएगा, जैसे शब्द दिया है उसी के अनुसार रख दो, घन इव श्याम। अब बताओ यहाँ पे विसर्ग क्यों नहीं आया, घन क्यों नहीं आया, ओ प्लस ई ए हो जाएगा, ए क्यों हो जाएगा, ओ सर घन प्लस प्लस थोड़ी लगाए, नहीं नहीं मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे घन क्यों नहीं हुआ, विसर्ग क्यों साइलेंट किया है, संधि के नियम के अनुसार विसर्गस्य लोपः, जब अकारान मतलब जब अह के बाद में अ से भिन्न कोई स्वर आता है ई जैसे, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, पता है ना, याद आ गया ना, इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं लगाया यहाँ पे। तो घना इव श्यामः, कमल के मुख जैसा, किसकी बांसुरी बज रही है, कौन बजा रहा है, नहीं। हाँ बोलो, कमल मुखम, कमल के समान मुख, कमलम इति मुखम इव, हाँ कमलम इव, अच्छा इव 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 इव, हाँ इव इव इसी में लगता है ना, लेकिन यहाँ पे इव आएगा, कमल के जैसा मुख, ठीक है, तो कमलम एव मुखम। अब आप कहोगे कमलह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कमल नपुंसक लिंग होता है, ठीक है, हाँ। अब ऐसे मुख कमलम कहूँ मैं तो कैसे करोगे आप बताना, मुख कमल जैसा, अब एव कहाँ लगेगा, मुखम एव एव ना, मुखम कमलम एव, मुखलम मुखम कमलम एव एव, क्यों, इसलिए कि मुंह कमल के जैसा है, तो जहाँ पे जिसके जैसा है वो उसी के पास में आएगा, इसलिए है ना, समझ में आया, जिसके मैं जैसा एक बार है, फिर से देखो हम शब्द को बदल नहीं सकते, मैंने बोला था मुख कमलम बोला था मैंने, ठीक है, मुख कमलम, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि कमलम एव मुखम, शब्द ही बदल जाएगा फिर, तो वो तो कमल मुखम हो जाएगा, है ना, हमको मुख कमलम करना है, तो मुखम मुंह है, कमलम कमल, एव माने जैसा, अब समझ में आया, मुख, अच्छा, कमल, मुख कमल जैसा, यस, जैसा भी, हाँ, ठीक है, अब आ गया ना, हाँ ठीक है, ऐसे ही चंद्र मुखम, वो भी चंद्र एव मुखम, चाहो तो आप चंद्रह कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, वहां तो उन्होंने संधि दिखा दी है, आप यदि संधि नहीं दिखाना चाहते हो तो आप चंद्रह एव मुखम ऐसे करोगे। अब आप कहोगे यहाँ पे चंद्रम क्यों नहीं किया, मुखम है वहां पर, तो इसलिए नहीं किया कि चंद्र तो पुल्लिंग ही होता है, जो शब्द जिस लिंग में होता है हमें उसी में प्रयोग करना है, समझ में आ गया, ठीक है, चंद्रह हाँ एव मुखम, ऐसे ही नवनीत कोमलम, नवनीत बोलते हैं मक्खन, मक्खन के समान कोमल बनाओ, नवनीत एव कोमलम, हाँ नवनीत, नवनीतम करो, नपुंसक लिंग होता है मक्खन, है ना, दूध से बनता है ना, इसलिए वो नपुंसक लिंग है, नवनीतम एव नहीं बोलो, एव बोला था तुमने, एव एव बोलो, एव, yes, यहाँ पे देख लो एव आया है, ठीक है, एव दिख रहा है, एव एव एव,
ये वो भी इसमें आता है, पर वो दो तीन शब्द है, राम नारायणम ठीक है और विद्या धनम, ये दो तीन दो शब्द हैं, इनमें एव लगता है, विद्या ही धन है, विद्या एव धनम है ना, तपोधनम तपह एव धनम, और राम नारायण राम एव नारायण, ये तीन शब्द हैं इसमें एव लगता है, नहीं तो इव लगता है। नरसिंह नर, नर मतलब मनुष्य, शेर जैसा ठीक है, तो नर सिंह इव, ऐसे ही पुरुष सिंह होता है तो पुरुष सिंह इव, हाँ है ना, ये ठीक, नरसिंह नर नर पुरुष और भी पुरुष सिंह, पुरुष ऋषभ, ऋषभ किसको कहते हैं, रीछ को, भालू को, ऋषभ मतलब भालू कह, तो जैसे पुरुष ऋषभ आएगा, पुरुष ऋषभ तो शब्द बनेगा पुरुष ऋषभ एव इति, एव सॉरी एव इति नहीं, इति इसमें नहीं आता ठीक है, इति इति निकलता है बार बार। अच्छा तो नयन कमलम, नयन कमलम ध्यान रखना, नयन कितने होते हैं, जो एक वचन बोलेगा फिर वो उसका एक ही आंख रहेगी, नयनाभ्याम कमलम एव, दो आंखें किस किस विभक्ति में आएंगी, प्रथमा आप बोला ना प्रथमा में, तृतीय क्यों ले गई, अच्छा हाँ नयन ने कमलम एव, हाँ वेरी गुड, नयने ऐसे राजीव नयनम, राजीव लोचनम, राजीव मतलब, राजीव मतलब कमल, बोलो, और लोचना मतलब आंखें, आंखें वेरी गुड, तो लोचन ने नहीं, राजीव हाँ, ईव लोचने, हाँ शाबाश, चलो ठीक है, चंद्रो चंद्रोजला, चंद्रोजला बनाओ, चंद्रम नहीं, चंद्रह ईव उज्ज्वला, समझ में आ गया आपको ठीक है, हम्म, अब आपका वो ये शीतोष्णम, ये क्या है कि ये दोनों नपुंसक लिंग में है और समूह मौसम ऋतु वाची होता है, इसलिए इसको इस तरह से दिया गया है, शीतम च उष्णम च, ये ऊपर वाले में ही इसको हम उभयपद है ना, तो हम इसको में देंगे, इसमें अलग से मत दिखाओ, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, शीतोष्णम भी ऐसे होगा शीतम च उष्णम च, क्योंकि नपुंसक लिंग है, ऐसे ही रक्त पीत, अब ये देखो ये रक्त और पीत च लगा दिया उन्होंने कंफ्यूजन के लिए, तो रक्त च, अच्छा इसमें च उभय पद ये च लगता है इसके अंतर्गत ठीक है, शीतम च उष्णम कर्मधार में आ गया है, कर्मधार में नहीं है, ये गलत दे दिया उन्होंने, इसको इसमें मत लेना बेटा ठीक है, ये इसमें इन्होंने गलत दिखाया है, ये हम उसमें द्वंद समास में लेंगे, किस समास में लेंगे, द्वंद, द्वंद समास है, क्योंकि च लगता है ना उसमें, फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ओके ठीक है ठीक है, हाँ क्योंकि सर्दी और गर्मी बराबर है ना, मालूम है आपको दोनों मौसम बराबर ही होता है ना, मौसम तो बराबर ही होता है ठीक है, किसी का नाम जैसे होता है राम और श्याम, दोनों व्यक्ति है ना, समान ही है, माता और पिता ठीक है, तो वहां पे च का प्रयोग होता है, आप इसके अंतर्गत मत लाओ इसको, तो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है, ये आपके लिए नहीं है इस तरह से, चलो टाइम हो गया बहुत, रख रही हूँ ठीक है, ठीक है मैम, अब हम वो कर लेते हैं, हाँ शांति पाठ कर लेते हैं, ओ शांति, साई राम, साई राम मैम, साई राम मैम, साई राम मैम, साई राम बेटा, थैंक यू मैम, धन्यवाद।